नमस्कार स्टूडेंट, आज आपकी इंग्लिश क्लास में हम आपको इंग्लिश में फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आप लोगों ने सीखा फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब के साथ में कैसे यूज़ करते हैं। आज हम बताएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट, आप लोगों को पता हो चुका है आई और वी को छोड़ के सभी के साथ में विल का यूज़ होता है और आई वी के साथ में सेल का यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, लिसन टू अटेंटली। टुडे इज़ योर क्लास विल बी स्टार्ट विथ स्टडी विथ प्रिंस सर। इफ़ यू लाइक दिस चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक इट। स्टूडेंट, टॉपिक फॉर टुडे फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव एंड निगेटिव। फर्स्ट स्टार्टिंग इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल इज फर्स्ट वी स्टार्ट द एग्जाम्पल। फर्स्ट मस्ट बी इम्पॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट कंडीशन, इफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन फर्स्ट स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड। अगर प्रश्न सूचक शब्द पहले हैं तब क्या यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, इफ क्वेश्चन वर्ड इज फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस देन यूज हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर एट लास्ट यूज क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड कंडीशन इज इफ क्वेश्चन वर्ड मिडिल ऑफ द सेंटेंस देन यूज क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर प्लस एट लास्ट यूज क्वेश्चन वर्ड। स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव नोन अबाउट द बोथ कंडीशन, फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन फॉर इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस। नाउ देयर आर सम एग्जाम्पल फॉर रूल फर्स्ट। इफ क्वेश्चन वर्ड इज फर्स्ट देन। एग्जाम्पल, फर्स्ट फॉर सिंगुलर नंबर, क्या राधा अपना कार्य करेगी। विल राधा डू हर वर्क। क्या राधा अपना कार्य करेगी। विल राधा डू हर वर्क। फॉर प्लूरल नंबर, क्या तुम कल अपना कार्य करोगे। विल यू डू योर वर्क यस्टरडे। विल यू डू योर वर्क यस्टरडे। स्टूडेंट्स, नाउ इज द टाइमिंग ऑफ एग्जाम्पल फॉर सेकेंड रूल। इफ क्वेश्चन वर्ड इज मिडिल ऑफ सेंटेंस देन। तुम कल अपना कार्य क्यों करोगे। स्टूडेंट, लिसन टू मी वंस अगेन। तुम अपना कार्य कल क्यों करोगे। वाई विल यू डू योर वर्क टुमारो। वाई विल यू डू योर वर्क टुमारो। स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर सिंगुलर नंबर। मैं अपना कार्य आज क्यों करूँगा। वाई शैल आई डू माई वर्क टूडे। Why shall I do my work today? Students, second condition for this rules,
हम अपना कार्य कल क्यों करेंगे? Why shall we do our work tomorrow? Student, there was the rules example for the sentences first and second conditions. Students, now is the timing of negative sentences. Students, in the negative sentences, we use negative word not with the question word. Students, for interrogative negative sentences, first rule, if condition is question word first of sentences, then we use helping verb, subject, and use helping verb after subject plus not plus main verb first form plus others at last use question word. Second condition is if question word middle of the sentences, then use of question word, then helping verb, then subject. After subject use not plus main verb first form plus others at last use question mark. Now is the timing of example for interrogative negative sentences. Condition number first, if question word is first, then क्या मैं अपना कार्य कल नहीं करूंगा? क्या मैं अपना कार्य कल नहीं करूंगा? Shall I not do my work tomorrow? Shall I not do my work tomorrow? क्या हम कल अपना कार्य नहीं करेंगे? Will, then will be sentence wrong. Correct sentence is, क्या हम अपना कार्य कल नहीं करेंगे? Then use shall. Shall we not do our work tomorrow? Shall we not do our work tomorrow? Now for similar numbers. Take me to a state of mind. तुम अपना कार्य क्या तुम अपना कार्य कल नहीं करोगे? Will you not do your work tomorrow? क्या तुम अपना कार्य कल नहीं करोगे? Will you not do your work tomorrow? क्या राधा कल यहाँ नहीं आएगी? Will Radha not come here tomorrow? Will Radha not come here tomorrow? Now is the timing of example for condition number second for interrogative negative sentences. If question word is middle of sentence, then student, first condition for I and we. Example is, मैं कल अपना कार्य क्यों नहीं करूंगा? Why shall we not do our work tomorrow? Why shall I not do our work tomorrow? हम कल अपना कार्य क्यों नहीं करेंगे? Why will we not do our work tomorrow? Students, rule is, if question word is middle point, then use question word plus subject before helping verb plus subject plus not plus main verb first form plus others plus at last use question word. Students, rule number first for the interrogative negative sentence, if condition is
word is first of sentence, then use ending word plus subject plus not plus main word plus form plus others plus add plus use sentence word. It was the video for learning about future indefinite interrogative and interrogative. Next video, we will display different parts to you about us. Thank you so much.